हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉम एंड मंचकिन। सुपर यमी, सुपर हेल्दी वेजिटेबल ओट्स की रेसिपी आज के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और वेट करना, लास्ट में हम कुछ और भी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेजिटेबल ओट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप्ड कैरेट, कैप्सिकम, ऑनियन, बीन्स और गार्लिक लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। यहाँ मैंने कुकर में घी, जीरा और हींग डाला था। मैं वीडियो लेना भूल गई थी, आप जीरा और हींग ज़रूर ऐड करिए, एक अच्छा डाइजेशन का काम करती है। सारी वेजिटेबल डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। अगर आपका बच्चा ऐसे वेजिटेबल नहीं खाता तो आप इसमें डाल के आराम से बच्चे को खिला सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 कटोरी ओट्स डालूंगी। हाँ, हम सबको पता है ओट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। सबको खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने 1/2 कटोरी ओट्स में 1.5 कटोरी मेजर करके पानी दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 टीस्पून नमक लिया है। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें कुकर का लीड लगा के मीडियम फ्लेम में 2 विसल आने तक का वेट करेंगे। जब 2 विसल आ जाएगी तो हम गैस बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तो हम चेक करेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम थोड़ा सा पानी डाल के 1 सीटी और लगा लेंगे। 2 सीटी लग गई थी तो मैं अब चेक कर रही हूँ, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही है। तो मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। तो मेरी सुपर हेल्दी रेसिपी रेडी है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए अपनी बेबी को या अपनी फैमिली को। बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। आप इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डालिए क्योंकि घी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। वाओ, एंजॉय। तो गाइज, ये थी वेजिटेबल ओट्स की रेसिपी। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल डाले थे। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, च्यू नहीं कर पाता, तो आप वेजिटेबल को ग्रेट करके भी दे सकते हैं। अगर आपका बेबी वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करता तो आप इस रेसिपी के अंदर खूब सारी वेजिटेबल छुपा के अपने बच्चे को खिलाइए और एक अच्छी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए। मैं ये रेसिपी लविशा के लिए ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ ओट्स डाला था इसमें। अगर आप बच्चे को लंच या डिनर में देना चाहते हैं तो आप इसमें पीली मूंग दाल मिलाइए। कुछ नहीं करना है, पीली मूंग दाल को आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दीजिए। ओट्स और येलो मूंग दाल की इक्वल क्वांटिटी लीजिए, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो ये आपके बच्चे के लिए एक परफेक्ट मील बन जाएगा क्योंकि इसमें प्रोटीन भी हो जाएगा, बच्चे को कार्ब्स एंड फाइबर भी मिल जाएंगे और कलरफुल वेजिटेबल से बाकी सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक द रेसिपी। इफ यू डिड, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद एवरीवन, क्योंकि बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप ये अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मैगी मसाला जरूर मिलाना, इससे ऑसम टेस्ट हो जाता है इसका। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय।